नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर हमला बोला और एक तरह से तारीफ भी की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। और जहाँ विधुड़ी साहब आ जाते हैं वहाँ लफड़ा ज्यादा पड़ जाता है, वो जब ही थमेगा जब मैं बोल पाऊंगा। विधुड़ी साहब बोलिए, बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, देखिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में समय पर बहुत सारी चीजें और हो सकती थी, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, मजलूमों के लिए, पिछड़ों के लिए। और अगर वो नहीं है तो मैं मानता हूं इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष के लोगों से बढ़िया तरीके से विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करी जाती है, जिसकी वजह से ये लोग इतने हावी हो गए, जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। अभी किसानों के बारे में 70 विदुड़ी साहब बोल लेने दे कुछ यार, पिछले 70 सालों से अन्याय होता रहा है दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अकलियत के लोगों के साथ। अब जाकर के माहौल बना है कि पिछड़ों का और दलितों का लगता है अब न्याय मिलने वाला है, क्योंकि इसी सदन में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के बोलते हैं पिछड़ों में से इतने मिनिस्टर बनाए, दलितों में से इतने मिनिस्टर बनाए, तो अब लगता है न्याय मिलेगा। ये हमारे पड़ोसी पता नहीं फिर क्यों कूदते हैं। अब की बार ऐसा लगा, परसों जब राहुल जी आए अभिभाषण पे बोलने के लिए, तो कई बार मजाक और व्यंगात्मक भी बात हुई और कई बात उन्होंने गंभीर और अच्छी भी कही। लेकिन आज ये नोट करने वाली बात है, भाई तुम्हें साथियों को कह रहा हूं, इन्हें कांग्रेसियों को, कि इतना माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं जिनको हमें झेलना है, तो उनकी कोई काट नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब रंजन साहब बोल रहे थे तो आकर के बैठ गए और पूरी बात सुनी, जो इनका मन आया वो बोला। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी में है प्रधानमंत्री जी, और सोमवार को जब बोलेंगे तो राहुल गांधी जी ने जो एक साल तैयारी करी सब साफ हो जाएगा। अरे तो भाई रोजाना की तैयारी ऐसे ही करो जिससे ये लोग इतना विधुड़ी साहब की पार्टी इतनी हावी ना हो पाए और गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, कमजोरों के लिए बढ़िया तरीके से जो अब उम्मीद जगी है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच देख करके, जो उन्हें न्याय मिल सके। जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ कहना चाहता हूं। मलूक जी के बाद सत्यवती जी बोलेंगी, उनके बाद 0 आवर तक समय बढ़ाया जाता है यदि सभा सहमत हो जी। हाँ, सहमत है, ठीक। जम्मू कश्मीर पार्वती जी डिस्टर्ब मत करिए, बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। रितेश आप डिस्टर्ब कीजिए, रितेश तुम सुनो, तुम बैठो बैठो बैठ जाइए, प्लीज बैठो बैठो। हाँ बोले दीजिए। जम्मू कश्मीर के बारे में मुझे कुछ कहना है। जहां आजादी के बाद से ही उनके साथ अन्याय होता रहा, अत्याचार होता रहा, शोषण होता रहा, और गरीबों के साथ, दलितों के साथ, पीछे आपके मेंबर दलितों के साथ, फिर नियम को तोड़ रहे हैं, और खास करके गुजर बकर वालों के साथ। तो जो मानसिकता पिछले 70 सालों से अधिकारियों की रही है, और जो यहाँ पे गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के गुजरों के बारे में जो खड़े होकर अपने मुंह से जो बोलते हैं, ऐसा लगता है कि सरकार की सोच अच्छी है और वहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं उनकी भी सोच अच्छी है, लेकिन जो पिछले 70 सालों से जो अधिकारी, उनकी मानसिकता ही ऐसी हो गई है। और पिछले दिनों ने एक मुहिम चलाई है कि जो गुजर बकरवाल हैं, जो वन गुजर हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जबकि अधिनियम 2006 सेक्शन 4 ब्रैकेट 5 के अनुसार पुरानी आबादी को राजस्व गांव डिक्लेयर ऑटोमेटिक स्वतः ही हो जाता है नियम और कानून और प्रावधानों के
अनुसार, तो उनको उनके अनुसार आपके द्वारा मैं मांग करता हूं कि उनको अधिनियम 2006 सेक्शन 4 ब्रैकेट 5 के अनुसार राजस्व गांव डिक्लेयर करा जाए, उन्हें ना उजाड़ा जाए। और अगर बस खत्म कर रहा हूं मैडम, और अगर जमीनों की जरूरत भी हो तो 2014 का जो भूमि अधिग्रहण अमेंडमेंट बिल है उसके अनुसार सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा देकर के उनसे जमीन ली जाए, जिसे उनके घर बने रहें और उनके बच्चों की रोजी रोटी चलती रहे और जानवर पालते रहें और उन्हें भी न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमंचावादी, दंगाई, गर्मी चर्बी के बाद बाहुबली और फिर बजरंग बली आए और अब पाकिस्तान आ गया है। दरअसल गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह के समर्थन में कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह प्रचार करने पहुंचे थे। एक कॉलेज कैंपस में बीजेपी की चिंतन सभा चल रही थी। सभा को संबोधित करने जब सांसद महोदय मंच पर पहुंचे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को पाकिस्तान से जोड़ने वाला नारा दे दिया। उत्तराखंड के तराई में किसानों को साधने के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को राजा बता दिया। उन्होंने कहा कि किसानों का सम्मान कांग्रेस सरकार में ही लौट सकता है। राहुल गांधी ने दिल्ली में किसानों के आंदोलन का उल्लेख करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे और जहां पर उन्होंने शनिवार को भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया और इसी दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों पर हमला भी बोला। आइए सुनते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। 2-3 दिन पहले आपने टेलीविजन के पर्दे पर सुना होगा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे थे भारत और चीन के बीच गलवान में जो संघर्ष हुआ था उसमें भारत के सेना के जवान मारे गए और चीन के केवल 3-4 जवान मारे गए। चीन का एक अपना सरकारी पत्र ग्लोबल टाइम जो लिख दिया उसकी बात को राहुल जी ने सही मान लिया। लेकिन आप लोगों को जानकारी इस बात की होगी बहन भाइयों, अभी 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार जिसका नाम क्लैक्सॉन है उस अखबार में यह लिखा है बहनों भाइयों कि जो भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच संघर्ष हुआ था गलवान घाटी में चीन के 38 से लेकर 50 जवान मारे गए थे, 2-4 जवान नहीं मारे गए। हमारे भारत के सेना के जवानों के शौर्य पराक्रम पर सवालिया निशान लगा थे। रंच मात्र भी संकोच नहीं होता है कांग्रेस के नेता। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कई नई रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज़।